सारे एक ही स्कूल के और इंदौर जा रहे हैं, तो हम साथ में जाएंगे। स्कूल का नाम श्री गुजराती समाज है। वहाँ से 12,000 में इंदौर से नहीं ट्रिप आई है, अमृतसर, चंडीगढ़, कुल्लू मनाली और वैसे एक की सीट ले लूँगा, तेरी ले लूँ। तो ये मनाली में घूम रहा है, इसको ढूंढ के और पुलिस के हवाले दो। इनका दावा है कि ये एक मिनट में हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। अगर नहीं तो इस वीडियो का एंड देखो, फन होने वाला है ये वाला व्लॉग। अच्छा, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं। अभी मैंने रिजर्वेशन कराई है, रिजर्वेशन आपको पता है मिलती नहीं एक दिन पहले, तो वेटिंग में है। जाने की तो बहुत ही वेटिंग है, आने की तब भी शायद कन्फर्म हो जाए। और कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, मतलब वैसे कल, पर आप लोगों के लिए तो जस्ट सेकेंड डो की बात है। चलो चलो, पेट्रोल भी डलवा दिया गया इसमें, क्योंकि बहुत दिनों तक अब मैं आऊँगा नहीं। तो मैं अभी कॉलेज जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है मेरे को कॉलेज का, वो निपटा देता हूँ, क्योंकि अभी हफ्ता मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और बाकी की बातें धीरे धीरे बताएंगे, ज़्यादा जल्दी क्या है। 24 hours later गाइस, डे सेकेंड, घर से निकल चुका हूँ मैं। अपना ऑटो मेरे को मिल नहीं रहा था बहुत देर से, फिर एक मिला उसने यहाँ राम मंदिर के पुल से उतार दिया। तो 200 मीटर का रास्ता है स्टेशन का, वहाँ पर स्टेशन है तो पहुँच जाएंगे। वैसे 30 रुपये लेते हैं, फिर वहाँ उतर गया तो 20 लगे। तो क्या नाचो भाई? जा कहाँ रहे हैं वो मैं आपको ट्रेन में बताऊँगा। 2 बजे की अपनी ट्रेन है सुबह तक, मतलब आज 2 बजे बैठूँगा, कल सुबह पहुँचूँगा। एक दिन का काम है, अगले दिन शाम को वापस आ जाना है। उसी ट्रेन में, मालवा एक्सप्रेस में जा रहे हैं हम, तो थोड़ा सफ़र हार्ड रहेगा। अकेला जा रहा हूँ इस बार मैं एक को, और दूसरा फिर टाइम भी ज़्यादा है ट्रेन में लगेगा, और टिकट भी कंफर्म नहीं हुई, तो बहुत सारी मुसीबत है। बट सबको पार करके आगे जाना ही जिंदगी है। स्ट्रगल इज रियल गाइज, बट डोंट फॉरगेट मस्ती टाइम ऑल द टाइम। तो गाइज अभी आपको पता नहीं, नीचे जो ये नीचे दो लोग दिखे ना, पता नहीं दिखे नहीं दिखे, तो स्टेशन पे खड़े थे। एटीएम यहाँ पे है नहीं, बाइक के पास पेटीएम था, कैश लेके नहीं आए, टिकट लेनी है उनको। अब यहाँ पे कोई फ़ोन पे पेटीएम लेता नहीं भाई स्टेशन पे, तो उन्होंने मेरे से मांगा, दीदी भी थी एक। तो मेरे को अपना एक टाइम याद आ गया, जब मैं ऋषिकेश से आ रहा था, तो उस टाइम पर मेरे पास पेटीएम में पैसे थे, कैश नहीं था। रात के 2 बजे मैं जलंधर उतरा। अब मैं ये सोचूं कि भाई मैं घर कैसे जाऊंगा ऑटो से, क्योंकि ऑटो वाला पेटीएम नहीं लेते यहाँ पे, कोई कैश लेगा 30 रुपये, सिर्फ 30 रुपये चाहिए। और पेटीएम में मेरे पे हैं अच्छे खासे पैसे, मतलब मैंने बहुत लोगों से मांगा था उस टाइम ट्रेन में, पर बहुतों ने मना कर दिया। तो एक भाई आगे बैठा था मेरे, उसने भी मना किया पहले, फिर पता नहीं भाई को क्या हुआ, लास्ट में जाते जाते उसने दे दिए। तो मैंने कहा हेल्प करनी चाहिए, मेरे पास थे तो मैंने कर दी, क्योंकि मैं तो निकाल लूँगा, मेरे पे कार्ड भी है, और नहीं तो मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ पेटीएम चल जाते हैं मोस्टली, एंड मेरे पे कैश भी है। तो अभी 10 मिनट में अपनी ट्रेन आएगी एंड फिर अंदर बैठ के बात करूँगी। गाइस अभी ट्रेन आने वाली है, उससे पहले मेरे को कुछ बच्चे मिले हैं, मिलवाता हूँ। तेरा क्या नाम है? तेरा साहिल। स्कूल का नाम? श्री गुजराती समाज। और कहाँ से है तू? इंदौर से। इंदौर मध्य प्रदेश से है। और ये इनका कुछ ग्रुप है, जितने भी देख रहे सारे इनका ही है। और ये भाई बता रहा था, ये पता है वहाँ से 12,000 में इंदौर से इनकी ट्रिप आई है, अमृतसर, चंडीगढ़, कुल्लू मनाली, और क्या था? अमृतसर, चंडीगढ़, कुल्लू मनाली, वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर। तो 12,000 रुपये लिए इनसे यहाँ घुमाने के लिए, विच इज़ लाइक ओके। ब्रेकफास्ट, डिनर, सारा कुछ उनका, होटल तो सही है गाइस, पर दोस्तों वाली मस्ती अलग होती है। सही पकड़े हैं। अब ये सारे और आगे, क्या नाम है तेरा? कौन सी क्लास में भाई तू? 10th B। ये देखो गाइस, 10वीं के लौंडे इंदौर से यहाँ कुल्लू मनाली घूम रहे हैं, हम यहाँ से वहाँ तक अभी तक नहीं जा पाए। गाइस इन सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, तो थैंक यू, मतलब ये लगा लो फ्री के 10 सब्सक्राइबर मिल गए, और
सारे एक ही स्कूल के और इंदौर जा रहे हैं, तो हम साथ में जाएंगे। मेरी टिकट कंफर्म नहीं है, तो शायद मैं इन लोगों के साथ ही बातें करते करते सफ़र अच्छा निकल जाएगा अपना, और क्या पता इंदौर भी चले जाएं हम। यू डोंट नो हैं, मैं जा रहा हूँ भोपाल। भोपाल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है प्रभु। पर हाँ प्रभु, कहाँ के रहने वाले? यहीं का हूँ। लुधियाना? जलंधर, लुधियाना। ये जलंधर में बैठ के कह रहा है लुधियाना। ये कसौल गए ना, कसौल में इन्होंने फूका है। फूका है तुमने? नहीं सर, ऐसा काम नहीं करते यार। फिर क्या? और कौन सी क्लास में थे तो था? नाइन्थ में? कौन? सारे नाइन्थ में? सब नाइन्थ। वो तो टेंथ कह रहा था। वो अरे ग्रुप आए ना बहुत सारे क्लासेस के, वो टेंथ का है। तुम नाइन्थ क्लासेस के बच्चे है? वो स्टूडियो 12 के बच्चे है। 200 बच्चे, 200 बच्चे आए हो तो 9-6 से 10 तक। वो गोल्डन वाले भी हमारे ही है, तो कहीं मेरे को लग रहा है टिकट, पता है वेटिंग 550 वेटिंग थी, तो तुमने बुक कराई है भाई। 200 सीटें तो मैं नहीं दे रहा है, 200 सीटें तो इन्होंने ही बुक करा ली है, तभी नहीं मिली हमको। वैसे एक की सीट ले लोगा, तेरी ले लूँ? मेरी ले लो। इकट्ठे सो जाएंगे। कितने टीचर है तुम्हारे? आधा जगह वो घिर लेगा। देख ले, बॉडी शेविंग कर रहे हैं। मैं भी करता है, मेरी भी लोग करते हैं। तेरी क्यों करते हैं? क्या तेरे में, तेरे को क्यों, क्या लगता है तेरे में कमी है? वेट ही ज़्यादा है भाई। इनको मैं अभी अपनी स्टोरी बताऊं भाई, वेट ज़्यादा नहीं होता। मैं पता कितना होता था, तेरे को फोटो दिखाऊंगा ना, तू कहेगा भाई आप, मतलब तू पहचान ही नहीं पाएगा। मैं ना 110 किलो होता था भाई, 2 साल पहले 110 kg। विश्वास नहीं करेगा तू तो, तब भी देखो भाई कहीं से सही लग रहा है। ये ना वहम होते हैं भाई दिमाग के, गंदी चीज़ें कभी मत रखो माइंड में। सही कह रहा हूँ ना? तो इनसे मैं बातें करता हूँ सारों से, फिर आपको ट्रेन में मिलेंगे। गाइस देखो, सारे भाई ने मतलब इन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया है और मेरे को फॉलो भी कर लिया इंस्टा पे, तो आर क्वाइट स्वीट। और उनकी मैम हो रही, क्या बच्चा गायब हो गया ना, मेरे पे एग्जाम लग जाएगा। बट होपफुली ना हो। कर दिया? हाँ देखो भाई, इसने भी कर दिया। फेमस ऐसे ही होते हैं गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ। बस पॉजिटिविटी रखो, लोग मिल रहे हैं कनेक्ट करो। मेरे को पहले पता क्या लगा कि ये ना अगले ये इससे खेल रहे थे, मेरे को लगा स्टेशन पर काम करते होंगे, पर ये बहुत सारे आगे, तो मैंने कहा अच्छा ये नहीं। भाई तुम्हारी ड्रेस ही ऐसी थी और नीचे तुमने पैंट पहन रखा है। गाइज ये लोग कुल्लू मनाली गए थे, तो अभी मैं इनको कह रहा हूँ अभी बर्फ नहीं है, पर ये कह रहा है बर्फ है, तो दिखा फोटो दिखा। ये तो तुम कहाँ पे, कुल्लू में होगी ना ये? मनाली में तो है नहीं अभी, रोहतांग में। रोहतांग? हाँ रोहतांग पास से आगे गए हो तुम। हाँ ये गाइस अभी बहुत कम है, ये तो ऊपर ऊपर है और बहुत थोड़ी बहुत है अभी, तो ये पिघल रही है, ऊपर से पिघल रही है ना, वो नीचे आ रही है अभी। ये देखो ये गोल्डन टेम्पल है ना। चलो, किसी की प्राइवेसी में नहीं जा रहे, पर हम जाएंगे, मैं और जगह जाएंगे नवम्बर में। खतरनाक बर्फ, और मैं कह रहा हूँ गाइस ब्यूटीफुल व्यू, सोच नहीं सकते, इतना दिमाग घुमा देंगे। और एक से एक रील आएंगी, तो मेरे को फॉलो कर लो, यहाँ पे इंस्टा आ रही होगी जरूर। और बहुत मतलब ये लगा लो, मेरे को लग रहा है ये व्लॉग स्टेशन पे ही ख़त्म हो जाएगा, इतना लंबा बन गया है। बस मज़ा आ रहा है और सफ़र अच्छा गुजरेगा इन लोगों के साथ। पहले मैं थोड़ा सैड था, बट अपने अंदर खुशी रखो। ऐसे इनकी भीड़ तो देखो भाई, जहाँ तक दिख रहे हैं यही स्कूल के ही बच्चे हैं, स्कूल के ही बच्चे। ट्रेन में शॉपिंग भी कर ली है, सॉक्स में लेके नहीं आया था भाई से। ऐसे लोगों को ले लिया करो गाइस, हेल्प हो जाती है। इन लोगों को ना मनाली में एक बंदा चोरी का फ़ोन बेच रहा था, कौन सा था? नहीं फोन नहीं, एयरपोर्ट्स से। एयरपोर्ट्स, ओरिजिनल एयरपोर्ट्स। कितने के? एप्पल 24,000 के थे, पर 1200 रुपये में दे रहा था। पर गाइस वो फर्स्ट कॉपी होंगे, ये रहा वो बंदा, शकल देख लो। तो ये मनाली में घूम रहा है, इसको ढूंढ के और पुलिस के हवाले दो साले को। मलेशिया में 1000 का आईफोन चोरी का, चोरी का आईफोन 10। तो गाइस चोरी की चीजें मत लिया करो, और उस समय वो फंसोगे। और उस समय वो लॉन्च ही हुआ, हाँ लॉन्च के 1-2 साल हो गए होंगे। 1000 रुपये। वैसे मैं गाइस इससे पूछ रहा था, अगर तुम बंदी पे बन गया तो भैया ना पहनी है ये मेरी जगह। अरे नहीं, इसकी है, इसकी क्या नाम, मेरी भी है उसकी। कौन सी पबजी में? S2 S3 S2 S3 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 S
करो वीडियो को लाइक लाइक एंड सब्सक्राइब करो यार। बंदी है इसकी तब से ना उससे उसको चढ़ाया जा रहा है मेरे बारे में। अरे सुनो भैया तो इसने अंधी को ना डेली दी थी, बंदी ने खाई ली और हमको दे दी, हमने खा ली। वाह क्या सीन है, बच्चे है ना। बट गाइस फन हो रहा है, रास्ते में मजा आ रहा है, तो लाइक कर दो वीडियो को। तो शेट ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक कर शेट ठोक दीजिए। तो गाइस ये हमारे पास क्यू और ये है आज भाई, तो क्यू बिल्कुल दे रहा हूं। इनका दावा है कि ये 1 मिनट में 100 रुपए।